वन बाय वन कोई बताना चाहेगा हमारा ओवरऑल जो 20 तारीख से जो हमारी सर जो भी हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 10 दिन की 12 दिन का जो हमारा वर्कशॉप हुआ सर म्यूट कर लीजिएगा सब वन बाय वन करके प्लीज बताएं सर एक एक करके आप मुझे प्लीज बता सकते हैं क्या है आपका ओवरऑल ये 10 दिन 12 दिन की जो हमने क्लास ली रात को 9 बजे से 10:30 11 बजे का 10:30 तक का टाइम दिया था बट अभी जो टाइम हो रहा है 11:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा तो प्लीज़ वन बाई वन कुछ क्या ही कहना चाहेगा जी प्रकाश जी प्रवास जी काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब एक्चुअली माय कॉन्फिडेंस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। एक्चुअली मैं आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले बहुत ही डरता था, मार्केट को देखता था तो बहुत ही डरता था। एक जो बुल सर्च भी था वो कैंडलस्टिक पैटर्न जितना भी मैंने बुक्स में कवर किए थे, यूट्यूब में जो ज्ञानबाजी बहुत सारे लोगों का सुना था, बहुत पजल हो रहा था। तो आपने जैसे उसको समझाया, मतलब जिस तरीके से समझाया, नाउ आई एम टोटली फियरलेस। आई थिंक आई कैन ट्रेड इन ए बेटर वे। थैंक यू सो मच सर थैंक यू फैंटास्टिक। तो क्या रेट देना चाहोगे सर आप क्लास में? सर 5 out of 5। 5 out of 5 वंडरफुल सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू। यस जी दास बाबू प्लीज। तो मैं एक चीज बोलूंगा, आपका क्लास में एक जो चीज मिला वो है, सभी रिटेल ट्रेडर रेट देख के ट्रेड करते हैं, कोई चार्ट नहीं देखते। मैक्सिमम 90% लोग चार्ट नहीं देखते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के बात बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं पहले भी रेट देख के ट्रेड करता था, तो चार्ट देखने को मतलब लगता था बहुत ये मतलब टाप चीज है, उसको समझना हमारा बस का बात नहीं है, चार्ट क्या देखेंगे। तो आपके पास आके एक चीज हुआ, चार्ट के बारे में एक सिंपल सा एक मतलब व्यू आया, जो हम चार्ट को देखेंगे सिंपल वे में। और जो सिखाया आपने चार्ट को देखना, तरीका चार्ट को देखने का जो तरीका है, वो तरीका सबसे अलग, सबसे बनी। हमने 500 से ऊपर वीडियो देखे यूट्यूब पे, ठीक है, जी लेकिन कई वीडियो में चार्ट को कैसे देखना है ये सिखाया नहीं है। बहुत जी सारा वीडियो देखे है मैंने लेकिन ये नहीं मिला। और वो दूसरा चीज है, आपका जो मतलब बोलने का जो तरीका वो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब किताब का बातें नहीं है बट प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअली होता है मार्केट में वही आपने सिखाया है। और उसको समझने के बाद मेरा एक चीज आया, स्टॉक तो मेरे पास आ गया लेकिन स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है और उसके बारे में कैसे स्टॉक कहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे सब कुछ चार्ट में बोलता है। और चार्ट को पढ़ने का जो तरीका आपसे मैंने सीखा है कम्प्लीटली कम्प्लीटली, अभी तक वो चार्ट देख के मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पकड़ आया, बोलते बोल सकते हैं, बहुत मार्केट के बारे में बहुत पकड़ आ गया मेरे को। थैंक यू रंजन सर रंजन सर लग रहा है मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। अरे वाह थैंक यू सो मच। कुछ बोलो सर। और रंजन सर अरे सर हाँ आपका जो मैं बोलता हूँ बोलिए। क्लास में सबको बोलता हूँ भाई मेरी क्लास देखने के बाद किसी के क्लास के जाने की जरूरत नहीं है क्या वो हो सकता है? हाँ जरूर 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 हो सकता है। थैंक यू रंजन सर थैंक यू सो मच। यस सर मार्केटिंग छोड़ना ही पड़ेगा इस तरह सीखने के बाद। क्या कह रहे हो सौरभ जी? अगर दूसरी जगह क्लास करने की नौबत आ जाए तो शेयर मार्केट छोड़ के खेती करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कोई नहीं सिखा। अरे मैं सर बोलूं हाँ जी मैं प्लीज बोलूं या यासन सर प्लीज। सर, मैंने तो आपका क्लास लेने के पहले क्लास ले ली है लेकिन मैं मुझे कुछ नहीं कर सकते सर, मैं मार्केट में काफी लॉस हो चुका है। मैं ये फैसला करके आपका क्लास ज्वाइन किया, ये आखिरी क्लास, इसके बाद अगर कुछ नहीं बनता तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, ऐसा फैसला करके आपका क्लास लिया सर। लेकिन हर दिन जा रहा है, कल के बाद आज आप नया नया चीज सिखा दें जी सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में कई चीज आपने सिखाया, अभी मैं मार्केट छोड़ने वाला नहीं हूँ सर, पैसा बन छोड़ने के चलो। क्या बात है सर थैंक यू सो मच दिस इज वंडरफुल फीडबैक फॉर मी आपने कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप किया, तो बिल्डअप किया सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का परफेक्ट यस सर थैंक यू सो मच सर।
जी, और मैं कुछ सर, मैं बोलूँ कुछ? हाँ सर, सर फाद सर, फाद सर वेट कर रहे हैं, फाद सर प्लीज। सर ये मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब आपसे पहले भी कुछ मैंने टीचिंग ली है दूसरे लोगों से, एंड मतलब कुछ चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास के बारे में कि आप इन डेप्थ जो होमवर्क करवाते हो और वो चेक करते हो, तो मेन काम तो वही होता है कि आप कितनी गलती कर रहे हो, कितना सही जा रहे हो। जी एंड सर मुझे लगता नहीं था कि हम चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और छोटी छोटी चीजें मिला के भी हम इतनी पावरफुल चीजें निकाल सकते हैं, स्पेशली जी एक्विटी में, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, किसी भी चीज की बात करें तो। जी सर ये मतलब मैं काफी इम्प्रेस हूँ इससे कि करना चाहिए लोगों को, और लोग कहते हैं कि चार्ट गैप लेंगे, बट चार्ट आपको पहले ही बता देता है कि कल क्या होने वाला है। तो सर आप लोग इंडिकेटर, मैंने सर कोई इंडिकेटर का पढ़ाया कि इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करनी है? नहीं सर कुछ नहीं, प्योर किस पे था, प्योर किस चीज पे मैं फोकस करता हूँ, सारी चीज ए टू जेड, जितनी स्ट्रेटेजी मैंने आपको, टोटल कितनी स्ट्रेटेजी दी है? सर लगभग 5 के आसपास तो होंगी, मतलब काउंट नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ मिनिमम 5 है, और वो सारी पांचों सर स्ट्रेटेजी एक से बढ़कर एक 100% और सबकी सब प्योर प्राइस एक्शन पे पूरी पूरी और सर। हाँ वॉरेन बफे के रूल पे है? सर बिल्कुल, नीचे खरीदना है ऊपर ढोकना बस, सिंपल सा लॉजिक सर। थैंक यू फादर जी, थैंक यू सो मच सर। सर जी जी सर, नरेश जी बोलिए। सर हाँ नाराज मत होइए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो सर जो भी हमने सीखा आपसे वो हाँ जी सम था सर, बाकी अदर लोगों से। और सर आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है सर वो उस माइंड ब्लोइंग है सर। और वो आप जो बोलते थे ना सर अगेन यूट्यूब वीडियोज में बोलते हैं अगेन, और गाइज थिंक लाइक ए बिग सर, ये सर वो सोते ही जोश बढ़ जाता है सर। थैंक यू सर। तो सर वो जो थिंक लाइक अ बिग शार्क जो मैं बोलता हूँ, वो चीज मैंने दिखाई आपको चार्ट में? हाँ सर दिखाई है सर। चार्ट बोल रहा है, चिक चिक के चिल्ला रहा है कि हाँ कुछ है बड़ा। परफेक्ट। हेलो भैया नमस्ते। नमस्ते प्रवीण जी, यार आप तो बिल्कुल चाहिए आपका फीडबैक, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, उसके बाद मेरे पास आए विदाउट सोचे, तुरंत पेमेंट करा के बोले सर मैंने पेमेंट करा दी है, सर एक्सपीरियंस पहले हमारा शेयर हो गया था, मैं सर को फ्री में रेडी था पढ़ाने के लिए, क्यों प्रवीण सर? हाँ ये बात तो तभी मैं कहा मेरे को सीखना है तो आना है यार। जी तो बताइए सर फीडबैक। जी थैंक यू। मेरे को बोला मैं फ्री में भी सिखा दूंगा, नहीं मेरे को फ्री नहीं, मेरे को सीखना है, इसलिए मैं आया आपके पास भैया। सबसे बड़ी चीज जानने के बावजूद कुछ चीजें मेरे को उसके अलावा अलग सीखने को मिला भैया, और जो है आपको मैं सामने दिखा भी देता भैया। आज कितना कमाया आपको दिया भी बार सब देख लीजिए, बताओ सब रिकॉर्डिंग है सामने, ये सामने से दिखा सकते सब, हम तो छुपाते भी नहीं। आप नहीं तो आप बता दो सर, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, आप बता दो आपने कितना कमाया आज? 14,500 भैया। 14,500 रुपए, वंडरफुल। दो ट्रेड किए थे, एक ट्रेड मिस करके लास्ट में भैया ऑर्डर पंचिंग करते करते ये मिस कर गया, नहीं तो मैं आज 20-25 और पाया रहता गोल्ड में, घंटे के टॉप में था उसका बेरी से स्टेप जैसा लगा, और ठोकना था भैया भाई, थोड़ा सा मिस कर गया भैया, नहीं तो सेल भी बना था। और ये जो पैसा बना रहे हो, जो हमने कुछ सिखाया उसी के अंदर है कुछ, नाम मत लेना। हाँ। है उसके अंदर, उसी के अंदर से छाड़ छाड़ के थोड़ा के पैसे का, और जो चीज आपने सिखाया हाँ। उस चीज को समय का वेट करिए, एक्चुअली ये नहीं कि इस टाइम पे इस टाइम नहीं, आप कंसीडर करिए अच्छे टाइम फ्रेम का यूज करिए, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए कि हाँ इस टाइम फ्रेम को यूज करना है, तो उसी को कंसीडर, उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करिए, और हर 5 मिनट हो चाहे, और हर स्ट्रेटेजी में प्रवीण जी मैंने टाइम फ्रेम बताया है नोट करके कि भैया इस टाइम फ्रेम में ये चीज अच्छी काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज जो आपने सिखाया ये नहीं कि सब चीजें कूद पड़े आदमी, करने का मतलब सारे चीजें कोई एक पर्टिकुलर चीज पकड़िए उसको कायम पूरा निकल लेना है, मतलब अच्छे से पारंगत हो जाइए, बाकी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। सबसे बेस्ट और वेरी बेस्ट लगता है आपका, और उसके अलावा सबसे शानदार मतलब वही लगता है, उसी को फोकस करता हूं यार। प्रवीण जी यार प्रवीण जी मरवाओगे यार, रिकॉर्डिंग पे नाम मत लो स्ट्रेटजी का, है ना स्ट्रेटजी का जो
अच्छा एक चीज और, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने बहुत सारे पढ़े हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न दुनिया पढ़ रही है हम भी वही पढ़ रहे हैं बराबर, लेकिन जो दुनिया नहीं बता रही है वो हम उसके अंदर बता रहे नहीं बता रहे हैं कि कब डोजी आए और कब क्या चीज मिलेगी, तभी काम कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ दो। एम आई राइट और रॉन्ग? परफेक्ट भैया, वो पावरफुल है, वो सिर्फ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रवीण जी। यस और कोई स्टूडेंट? सर बोलो कुछ। मैम 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 पद्मजा मैम प्लीज आप बोलिए। सर सर एक सेकंड पद्मजा मैम। या सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना है, क्योंकि आपने इतने दिन जो सिखाया ना वो बिल्कुल, मतलब मैं पहले जैसे चार्ट्स को देखती थी या चार्ट्स को समझती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इतना तीन चार जगह मैंने भी ट्रेनिंग लिया था, पर ऐसे ही लगता था जहाँ पे कैंडल ग्रीन होने लगी मैं कूद के बाई कर लेती थी फिर फंस जाती थी। अभी मेरे जितने भी स्टॉक्स फंसे पड़े हैं ना, मैं जाके उसको सब एनालाइज कर रही हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या गलती कर रही थी पहले करके। तो उसके लिए सबसे बहुत बहुत थैंक्स सबको। और आज क्लास खत्म हो रहा है तो इतना मतलब बुरा लग रहा है कि कल से हम लोग नहीं बैठेंगे साथ में, ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे करके, इतने जल्दी खत्म हो गया करके भी ऐसे लग रहा है, ऐसे लगता है कि रोज उनको भी टाइम देना जरूरी है, दे आर ऑल्सो वेटिंग ईगरली। कल से 9 बजे को हम लोग बहुत मिस करेंगे इस क्लास को। हाँ गाइस सबके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो आपने बोला ना कि मिस करेंगे, इसको मिस नहीं करना है, इसको पावरफुल बनाना है। कैसे? जो आप 9 से 10, 10:30 का टाइम मुझे देते थे, 11 बजे तक का टाइम मुझे देते थे, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे बैठो, बट दिन में सिर्फ 1 घंटा तो बैठना है, रोज आदत बना लो, जैसे ब्रश करते हो मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, आदत बनी हुई है ना, वॉशरूम जाते हो आदत बनी हुई, इसी तरह से लाइफ का इसको रूटीन बना लो, ऑफिस जाते हो आदत बनी हुई, इसी तरह से रूटीन बना लो बॉस, यही 9 से 10 बजे जिस तरह से सर के साथ मैंने 10 से 12 दिन मैनेज किया है, वही मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी पूरी लाइफ में। 1 घंटा, बस 1 घंटा आपको डेली बैठना है, जो समझ में आए उतना काम करना है, अगले दिन के लिए एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन करना है, कल उन्हीं स्टॉक्स पे नजर रखना है, इसके अलावा कोई स्टॉक्स नहीं देखना है। स्टॉक सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी 1 दिन पहले कैसे देंगे बता चुका हूं, ठीक है? तो ये जो 1 घंटा है इसको मिस नहीं करना है, इसको यूज करना है, और यूज करके आप मुझे M2M भेजेंगे तब मजा आएगा, तब मेरा एक्चुअल में आपका जो गुरु मंत्र कहते हैं ना कि जो गुरु दक्षिणा है, तब मेरे को कबूल होगा, वो जो आप प्रमाण पत्र होता है ना शिष्य का, आपका M2M मेरा प्रमाण पत्र है इन शॉर्ट, ठीक है? वो चीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू पद्मजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच सर, आपने पूरा नजरिया बदल दिया हमारा देखने का, मतलब चार्ट्स को देखने का। हाँ मैम, बस ये याद रखना, आप जो भी कर रहे हो आप नोट करो कॉपी में कि क्या कर रहा क्या नहीं करा। थैंक यू अदिति मैम। या मैम प्लीज। या अदिति मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सर, पूरा तो नजरिया पूरा बदल गए कैंडलस्टिक का लैंग्वेज। हाँ। और ये दीदी एंकर्स का भी लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ गया अभी, कैसे वो लोग पूरा उल्टा चलते हैं। हाँ। और बहुत कुछ समझ में आ गया अभी, पहले इस तरह से समझ में नहीं एक चीज था। एक चीज आपसे पूछूंगा, जो मैं बाय कर लेते हाँ। देख के सेल कर देते थे। हाँ। बहुत लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो अभी तो वो आपका जो कचरा कैंडल वाला आत्मा वो सब तो बहुत अच्छा याद रहेगा, क्लास तो मिस करूंगी। और मैम पेरेंट्स वाली कैंडल, जो पेरेंट और मदर, कभी बच्चा ऊपर जाए कभी नीचे जाए। हाँ, वो तो है, बहुत अच्छा। थैंक यू अदिति, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और आपका टीचिंग का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आया जी, बहुत कुछ सिखाई मैम। ऑलवेज थिंक लाइक अ बिग शार्क, ये चीज नोट कर लो, बड़ा आदमी कैसे ट्रेड करता है आपको वैसा बिहेव करना है, भले हमारे पास छोटा इन्वेस्टमेंट है, भले हमारे पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, बट इंपॉर्टेंट इज किसी को नहीं पता आपके पास कितना है, मुझे नहीं पता आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है, राइट?
बट आपको हमेशा ऐसे बिहेव करना है कि आपके पास करोड़ों रुपए बैठे हैं और भाई सामने वाले को ब्लफ खेलना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमा नहीं सकते हो। स्टॉक मार्केट में सामने वाले को ब्लफ करके उसकी जेब से पैसा निकालना होता है, छीनना होता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास। करेक्ट मैम, थैंक यू आदित्य, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल फीडबैक मैम, लवली, थैंक यू। यस सर, कोई और? नमस्कार, नमस्कार सर, बताएं। हेलो सर, मैं बोलूं सर? हाँ अनिल जी, हेलो। हाँ अनिल जी, एक वन बाय वन, वन बाय अनिल जी। हाँ सर, मैं तो शेयर मार्केट में ज्यादा पुराना नहीं हूँ, मैं अभी सूरत गया था किसी काम से, तो वहाँ पे आपकी वीडियो देखे और उसका बैक टेस्ट किया और देखा अगले दिन के तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तुरंत आपको याद होगा शायद मैंने रात को 10:30 बजे के आसपास फी पे करी थी जी, और आने के बाद में मैंने करीबन 50,000 रुपए बनाया भी सर, और इसलिए पिछले 3 दिन से सर क्रूड में काफी, एक दिन 100 पॉइंट बनाया, आज भी सर, कल भी क्रूड ने प्रॉफिट दिया, आज भी सर करीबन 60-70 पॉइंट के आसपास अब चल रहा सर क्रूड। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ में, मैं यहाँ बिट्स पे लाने से हूँ, लोग मुझे बोलते थे कि बर्बाद हो जाएगा शेयर मार्केट में मत घुस, लेकिन जब आज लोग मेरा एमटीएम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मतलब 15-20 दिन के अंदर कैटरिस्टिक और ये डोजी और ये, वो जब मैं बातें करता हूँ अभी सर, इसका अनुभव बाकी है आपका, जो जितना भी आपने पढ़ाया सर मेरे लिए तो बहुत 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 बेनिफिशियल है, और मेरा टारगेट सर नेक्स्ट ये है कि मैं 1 महीने इसके ऊपर खूब मेहनत करूंगा, एक थोड़ा चाहे मैं कम कर लूँ, लेकिन ये पढ़ाई 1.5-2 घंटे की रोज करूंगा, तो आपको सर ठीक है, गुड, आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, दिस इज वंडरफुल अनिल जी, अपने आप से कमिटमेंट रखो, रोज 1 घंटे मेरे को जो मैंने पढ़ाया ना, अभी आपको मैंने क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी दे दी है प्योर प्राइस एक्शन की, अब आपको पता है पूरे दिन नहीं बैठना बच्चों की तरह, सिर्फ उस टाइम पे आना है और अपना एंट्री लेना है, पैसा बनाना है, घर जाना है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी पढ़ाया है उस पर रिविजन कंटिन्यू रखना है। अरे बाप रे, सही है, सही है सर, 641 की बाकी है और 90 मार्क में तक जाके आया सर। सर सर ये सीक्रेट है सर, वेरी वंडरफुल, वंडरफुल, आई एम हैप्पी फॉर यू, सीरियसली आई एम फॉर यू, अभी क्लास खत्म भी नहीं और आप पैसा ही बनाना चालू करते हैं, सबसे फास्ट भाग रहे हो आप, थोड़ा सा धीरे से ध्यान से सब चीजें, बी केयरफुल, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को दोस्त बनाना है, उसके बिना काम नहीं करना, हमेशा याद रखना, ठीक है, डन, थैंक यू। या कोई और स्टूडेंट? अरे सर मैं बोलूं? हाँ जी सर बिल्कुल, अरे सर मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी आपका, अरे सर सर जी आपको मैंने नाइट में ही पेमेंट किया था, एक्चुअली मैं तो जानते ही नहीं था। अच्छा, चार्ट को देखा कैसे जाता है, चार्ट की प्राइस एक्शन क्या होती है। हाँ। काम 2009 से किया है। अरे बाप रे, एसएमसी ग्लोबल्स के साथ में काम करके फ्रेंचाइजी लिया था। हाँ। लेकिन जानता नहीं था सर, केवल बस सॉफ्टवेयर स्पाइडर वाले, जो अभी एक श्रीमान जी जो भैया जो हो उन्होंने बोला था कि स्पाइडर उनके पास में है, तो उसको मैंने यूज किया, कोई मतलब नहीं, ना कुछ समझ में आया जी कि होता क्या है, बस उनका सिग्नल ले दिया, इससे बना लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो प्राइस एक्शन कैंडल में बन रहा है, स्टॉक मार्केट की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब भाषा बोले सर, कि ये प्राइस जाएगा कहाँ जी, आप शाम को रात में मार्केट खत्म हुआ 3:30 बजे, आप 4-5 बजे बैठ के कभी भी अपना देख लें, और कल के लिए वो चार्ट बोलने लगेगा सर कि ये ऐसा जाएगा। ठीक है, माना हमने कि आज हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो है कि आपसे सीखा है तो उसको पेपर ट्रेड करके आ ही जाएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन जो चीजें आप, एक मिनट अरुण सर, पेपर ट्रेड करके? जी सर, पेपर ट्रेड करके? जी सर, पेपर ट्रेड करने? ना ना सर, अभी मैंने आपसे, अभी इसके पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि पेपर ट्रेड की, तो मैं ये बोला था कि अभी कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा सा डाउन था। सर पेपर ट्रेड नहीं करना है अरुण जी, पेपर ट्रेड नहीं, क्वांटिटी उठानी है, 100 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड करना है, मैंने क्लियर कट बोला है, ट्रेड करोगे तभी आपके हार्ट बीट और स्टॉक मार्केट की हार्ट बीट मैच करेगी, नहीं कर पाओगे तो आपका दिल ठंडा है, स्टॉक मार्केट का ही बीट होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल याद रखें, कल से 250 रुपए की बिट पे काम करूंगा, लेकिन एक चीज प्रॉपरली चीज आपने ये बताई कि प्राइस एक्शन पे कहां से चीज चली जाएगी, ये देखना आ गया, अभी सब चार्ट जानते ही नहीं थे सर, होता क्या चार्ट,
मतलब मेरे को 10 साल हो गया देखते देखते, अरे बाप रे, ओके। और लगभग हजारों ट्यूब देखे हैं सर, यूट्यूब पर चीजें देखी हैं, स्ट्रेटेजी देखी हैं, कई विभिन्न प्रकार की, कई रेनबो की आ गया, बाइसेल वो करके है, बाइसेल सॉफ्टवेयर सिग्नल वाले देते हैं, पैसे ले लेते हैं और फर्स्ट चीजें आ जाती है, फंस जाती है चीजें। लेकिन आपकी चीज से ये तो समझ में आ गया कि एसएल वाला शॉर्ट हो जाता है सर देखने के बाद, जो चीजें बताई प्राइजेक्शन के साथ। फैंटास्टिक सर। तो सर जितनी आपने वीडियो देखी उनका और मेरा वर्सेस कुछ डिफरेंस है? अरे बहुत सर, कहां उन वीडियो में कुछ था ही नहीं सर, एक्चुअली में बेवकूफ बनाने के अलावा। आप जितना फ्रेंडली और फ्रेंकली चीजों को बताते हैं, मतलब जिनको कहना चाहिए व्यवहारिक चीज जैसे बोलना चाहिए, समझाने का नजरिया। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल फीडबैक फॉर मी, रियली अप्रिशिएट। एबीसीडी हम सीखते हैं तो सर एबीसीडी को तरीका का आपने बताया कि ये होती है। राकेश जी बताएं। हाँ सर, पहले तो मैं आपको मिस करूंगा सर, सबसे दिक्कत हमारी ये है कि एक जो रोज रात को हम आपसे मिलते थे, हम लोग सब सब लाइव बात होती थी आपसे जी, तो ये बड़ा कष्ट का विषय हम लोगों के लिए सर, ये रिलेशनशिप होता है पता है आपसे। हाँ जी, आपसे मैं जुड़ा सर दस, जब आप फुकेट गए थे, हेलो, जब आप फुकेट गए थे सर, आपका इसके पहले 10 दिन पहले मैंने आपका देखा था, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, जैसे लगा कि कोई घर का अपना सगा कोई इतने फ्रेंडली बात कर रहा है। उसके पहले मैं टेट कुछ जानता नहीं था, और जब मैं आप वीडियो देखा तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा। हमने कहा कि अब जो भी करना है आपसे सीखनी है, आपके बारे में करनी है। और चूंकि एक थोड़ा ड्रॉबैक हमारा ही रहा कि हम जो है ये आपका ये मोबाइल से हमारा लिंक नहीं हो पाता था, 6-7 दिन तो ऐसे ही छूट गया हमारा। लेकिन विगत जो 3-4 दिन से हम आपसे जुड़े हैं, तो इसे अब लग रहा है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बड़ा हाई हुआ, इतने सामान्य भाषा में आपने समझाया, ये बहुत अच्छा लगा सर जी। मुझे ये नहीं लगा कि मतलब मैं किसी दूसरे से पढ़ रहा हूँ सीख रहा हूँ, आपने गुरु और शिष्य के परंपरा का पूरा निभा दिया सर, ये काबिले तारीफ है, और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ सर कि आप ये बात को सुनने के बाद, आपसे सीखने के बाद, हम लोग एक अच्छा लेवल प्राप्त करेंगे और निश्चित ही आपका नाम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। और अगले वीडियो में जी, अगला अगर आप आता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा सर एक महीने का ट्रेनिंग कम से कम हम लोग को दें आप। मैंने कहा कि हमारे पास जो है टीम बना रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा सर कि उसी टीम के द्वारा हम लोग को आप प्रशिक्षित करें और हैदराबाद में ही प्रशिक्षित करें। टाइम टू टाइम आप आइए, देते रहिए हम लोग शिक्षा, लेकिन अपने से अलग मत करिए, मैं ये चाहूंगा सर जी। और उसके लिए जो भी फीस होगी हम लोग अदा करेंगे आपका, पर्सनली मैं करूंगा सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आप नो नीड टू वरी अबाउट इट सर। मैं आपको बिना आए बिना कुछ किए मैं आपको पर्सनली बैठ के दोबारा समझाऊंगा, जो आपका क्लास मिस हो गया, जो अटेंड नहीं कर पाए, जो टेक्निकल इश्यू आपका आ गया था, दैट नो नीड टू वरी। उस बात का अफसोस नहीं सर, लेकिन आपसे मिलेंगे हम जरूर सर, हैदराबाद में या आप इंडिया में समझ दें चाहे बाहर समझ, इसके लिए एकदम डिवोटी हैं हम आपके लिए। थैंक यू सो मच। एकदम मतलब ये कहे कि उतावला कौन है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि टेडी हम लोग को आती नहीं थी, न जानते, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, और जितना इजी भाषा में आपने बताया ये काबिले तारीफ रहा। थैंक यू। हमारे समझ से जो अशिक्षित होगा वो भी आपकी बात को सुन के उसमें जान आ जाएगी, सीखेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत हम लोग मिस करेंगे। नहीं मिस नहीं, मिस को नहीं करना है, पावर बना लो मिस को जी। थैंक यू सर। यस सर जी, सर बताए, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ नरेश जी बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि मैं डिफेंस पर्सन हूँ। हाँ जी सर, मैं आपके क्लास से इतना प्रभावित हुआ कि मैं रोज रात को एक दिन छोड़ के एक दिन सर रोज रात को 2.5-2.5 घंटे का ड्यूटी आता था। आपका क्लास 12:30-12:30 जैसे खत्म कर पाता था, उसके बाद फिर से रात में 2-2.5 घंटा ड्यूटी करके 12:30-3 बजे के आस पास। ओके, इतना मतलब पूरा फुल जोश में आपका
लेकिन ऐसा मेरे ऊपर खुद के ऊपर कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ जी। आपका जो जो भी सीखा है सर इसके ऊपर कंटिन्यू 6 महीना तक छोटा छोटा ट्रेड करके प्रैक्टिस करूंगा और आपको सर एग्जाम जरूर लेकर आऊंगा सर। वंडरफुल, थैंक यू सर। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू नरेश जी, और आपके सीखने के जज्बे को सलाम। अगर लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, और सर मैं ये कह सकता हूँ इसको प्रोफेशनल बना लो, देखो मज़ा। सर ये इतना बना के दे देगा आपको, सोच भी नहीं सकते हो, सब चीज़ चेंज हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। दिस इज़ परफेक्ट। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ सुले सर, हाँ या जॉय सर, नमस्ते सुले जी। सर आपका ईमानदारी सबसे मुझे अच्छा लगा, जो आप बोले वो करवाए, और मैं तो बहुत नया हूँ और मुझे सीखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हूँ। थैंक यू, आपको तो मतलब आपको बहुत बड़ा ये मिस करूँगा अभी क्लास के बाद में, तो आपके साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ जिंदगी भर जी। थैंक यू सुला जी, समय दीजिएगा मेरे को। डेफिनेटली सुला जी, लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम मेंटरशिप है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। गाइस हमारे पास टाइम कम है, तो इन शॉर्ट प्लीज बताइए, रेटिंग दे सकते हो, लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो कि ये पावरफुल है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप अपने हिसाब से जो आपको लगे इन शॉर्ट में आप थोड़ा सा बता सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, सब लोगों का लेना है। 50+ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, सबका लेना है। हाँ सर, 5 out of 5 तो बहुत ही कम है सर, 100 out of 100 है। अरे बाप, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर सर 100 out of 101। अरे बाप रे, पावरफुल फीडबैक सर, थैंक यू, थैंक यू सर, आपकी बॉडी पावर पावर पावरफुल, थैंक यू सो मच। और जॉय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? यस या प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस डेज एंड नेटवर्क, and we have done so many things. You know, when I approached the course, I had a thought in my mind, something like, you know, when everyone was saying, oh, everything is written in the chart, and everything is hidden in the chart. So I've been trying to find out what is hidden in the chart, but I was never able to find out. Even when I make an entry, you know, I never bothered about the candlestick pattern that is made, you know, when I made an entry. And then I was thinking, wondering, how come these people say everything is hidden in the chart? And there is up move, down move. So it was like quite mind-blowing for me. But now, once I lay aside you, it's exactly correct. Everything is in the chart. So that needs a study on the technical analysis and the candlestick patterns and various things. Those things I really gained, and we learned so many things that helped, that developed me, and the confidence in me is improved a lot. And now I'm able to do it my own. And what was to tell you, it was a wonderful course altogether, and yeah, and I want to give you like it's a maximum, whatever 100 out of 100, it's not less for you, for your dedication, and we keep respecting you like our mentor and guru, and we want to be in touch with you for a continued relationship to support us, and as a community we should develop. This is my sincere opinion about it. Perfect, Joy sir, this is important, you are from Kuwait, right? You attended our session from Kuwait. जो लोग बाहर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर टाइम का दिक्कत है, सर ये सब एक्सक्यूज है, टाइम का दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो सब आप बचना चाहते हो, मेहनत करने से दूर होना चाहते हो, इसलिए वो एक्सक्यूज है। मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, सामने वाला बंदा कहीं पर भी टाइम का क्लैश नहीं होगा, सर बस नीयत साफ है कि सीखना है तो सीख जाएगा, नहीं तो सर एक्सक्यूज तो चलता रहेगा लाइफ में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच जॉय सर, थैंक यू। आई वाज ट्राइंग टू कॉप अप विद द टाइमिंग, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड आई एम अवॉइडिंग एवरीथिंग इन लास्ट 2 वीक्स, एंड देन आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन दिस वन। सी, एंड आई वुड लाइक टेल यू दैट, यू नो, आई वाज लुकिंग एट दिस बिजनेस लाइक अ रिटायरमेंट प्लान, यू नो, जस्ट व्हेन आई फिनिश ऑफ माय Joy sir, till now, which strategy is very best to you, for you? For me, I really liked the CPR thing, and then bull sesh, bear sesh, and now the crocodile strategy, and then the RSI one. These all really clicked me. It is in my mind. I cannot forget it.
And what about elephant candle? What about second attempt, double quantity, third quantity, kab karna hai? No, that is very much in my mind, but only thing I am finding it a difficulty is, you know, I have to search for those particular stocks, you know. Okay. This is what troubles me, because I have to spend some time in searching and find out these stocks. Otherwise, that is fantastic. Those things still I am remembering, and I just told you, you know, in spontaneously what is in my mind really clicked. So that's it. And I'm planning in a different way to develop my own trading approaches, and we'll be doing good. This is what I am very much confident and positive in this direction now. So thank you so much. Thank you, sir, so much. Thank you. And we'll be in touch. Thank you. Thank you, Joy, sir. Thank you. Yes, yes. Is there anyone else who wants to say? Sir. क्लोज करेंगे, काफी लेट हो गया, 11:50 हो गए. हेलो सर, मैं बोलना चाहता हूँ. हाँ हाँ, प्लीज दिलीप जी. एक्चुअली मैं क्लास अटेंड करने से पहले बहुत कुछ देखा था. हाँ हाँ. बाद में बहुत सारे लोग से भी बात हुआ, सभी ने बताया नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, कोई नहीं बताया. ओके. हमको क्या करना है? हाँ हाँ. आपका क्लास करने से पहले मैं यूट्यूब बाय मिस्टेक ले बाय ऑफ कोर्स से क्या करूं क्या करूं सोच रहा, क्योंकि मैं जब निफ्टी 7500 था उस टाइम में मैं निफ्टी को देख रहा. ओके. उस टाइम में बहुत सारे लॉसेस हुआ. हम्म. मगर मैं बहुत सारे लर्निंग करना चाह रहा था, कैसे मैं उसको स्टडी करूं, कोई तो बताए. बाद में दो तीन लोग से भी ऐसे मुलाकात हुआ, वो लोग चीटिंग भी की. ओह. कुछ सिखाया. हां. चीटिंग भी हुआ. बाद में मैं पूरा हैरेसमेंट हो गया था. हम्म. मगर लास्ट टाइम जब आपसे क्लिक हुआ यूट्यूब पे, नहीं मैं तो कुछ लास्ट टाइम देख लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ठीक कुछ तो जाए, मगर मैं सीखूंगा. मैं आपसे बात किया, उस टाइम में मेरे पास कुछ भी नहीं था, बाद में मैं कुछ जुगाड़ करके पे भी किया, नहीं मैं सीखूंगा. आप हैदराबाद भी आए थे, वो भी मिस किया मैं. दिलीप जी एक बात बताओ, जो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ टेलीग्राम में, यूट्यूब में और जगह जगह बोलता हूँ कि भैया पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है? हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है. है? तो बहुत अच्छा लग रहा है. आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. आज लॉस है, नहीं है तो सीख लो. हाँ. लोग क्या पैसा लेते हैं, पैसा तो सभी लोग देते हैं. हाँ. प्रॉपर वे पे कोई नहीं सिखा था. आपने जैसे प्रैक्टिकल सिखाया, कैंडल का क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या सीखना है, क्या जरूरी है कैंडल स्टिक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कल के लिए क्या सीखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पूछा है. आप तो बता रहे हो, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, हम कैसे, नहीं कोई नहीं बताया उसके बारे में. क्या बात है, थैंक यू. नहीं बताया. थैंक यू दिलीप जी, वंडरफुल. आपने जो प्रैक्टिकल देखा वो नॉलेज किसी ने नहीं दिया. जैसे हम लोग कैच देते हैं, उसमें क्या रॉन्ग है क्या राइट है, कौन सा वे पे आपको पकड़ना है उसको. परफेक्ट, वंडरफुल. आपको क्या होता है. थैंक यू सो मच सर. दिलीप जी बस जो लोग ऐसे एटलीस्ट उनको तो बोल सकता हूँ, देखो भाई ये है स्ट्रेटजी, ये है स्ट्रेटजी, वंडरफुल. थैंक यू सो मच सर. दिलीप जी थैंक यू सो मच, टाइम की बस कमी है. थैंक यू. वन लास्ट थिंग. सर वो मैं आपको कल बताऊंगा सर, अभी कुछ मत बनाओ, सिट रिलैक्स सर, लेट नाइट हो गया सर, सो जाओ, कल फ्रेश लेवल पे काम करेंगे, आज क्यों काम करना बताओ, है ना. जी सर. जी सर. पीपीटी कब मिलेगा सर? सर पीपीटी आपको मैं कल मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा सबको, ठीक है, जिनका भी. हेलो सर. जी जी सर, मुझे आपके एल्गो के सॉफ्टवेयर की बात करनी थी जो मैं आपसे. सर बिल्कुल कर लेंगे, अभी किसी का और फीडबैक रह गया है सर ये बताइए पहले. सर मैं फीडबैक दे दूं? प्लीज सर. दर्शन जी प्लीज. यस सर. सर आपको शायद याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं सर, मैंने ये क्लास ज्वाइन करने के पहले मैं दिसंबर में मैंने आपको बताया था, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने कम से कम 2,50,000 रुपया किसी टिप प्रोवाइडर को देके एक दिन में 3,00,000 कमाया, दूसरे दिन में 2,50,000 गवाया जी. और तो मैंने आपको और मैंने डिसाइड किया था अभी मैं शेयर मार्केट से आउट हो जाऊंगा. तो लास्ट मैंने आपका वीडियो देखा, थोड़ा सा मुझे वो पाया कि कर सकते करके आपका ये सीपीआर का ही मैंने वीडियो तभी फर्स्ट वीडियो देखा था.
और उसके बाद में मैंने आपके साथ बात किया, आपने मुझे काफी अच्छे तरीके से बताया उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, और अभी ये जो मैंने किया है आपकी स्ट्रेटजीज और बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, स्पेशली क्रूड ऑयल और बैंक निफ्टी का जो आपने बताया, और बाकी के टेक्निक्स तो है ही, तो वो भी फॉलो करके मैं अपना और लॉस रिकवर करूंगा स्लोली स्लोली। परफेक्ट दर्शन अच्छा जी, किसी को पैसे नहीं देने और ना किसी को टिप्स के पैसे देने, सॉरी किसी को टिप्स के पैसे नहीं देने और ना किसी को अपना अकाउंट देना हैंडल में, खुद करना है, भले 2 रुपए कम कमाएंगे चलेगा लेकिन खुद करना है। डन डन, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू दर्शन सर, वंडरफुल सर, थैंक यू, थैंक यू जी। हेलो सर जी, जी जी सर बताएं। हेलो सर, मैं कमलेश कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ कमलेश जी बताएं सर। हाँ सर, सर मैं सर आपको सर जुलाई से ही सर फॉलो कर रहा था सर यूट्यूब पर सर। अरे जुलाई से, वेरी नाइस, ओके। जी सर जुलाई सर, जिस टाइम पर सर आपका सर 500 सर फॉलोअर थे यूट्यूब पर, 500 उस टाइम से मैं फॉलो 500 सर, जो कि सर 1000 आपका फ्लोर नहीं थे तब तक आप सर लाइव नहीं आ सकते थे ऐसा कुछ सर, बहुत बार में वीडियो में देखते तो उस टाइम से मैं सर आपको सर देख रहा सर, लेकिन देखते देखते सर मुझे 3-4 मंथ देखे सर आपका वीडियो, मुझे बहुत सारे लोग को वीडियो देखे लेकिन आपका सर इतना अच्छा लगा मुझे वीडियो और बताने का कि पहले सीखो पहले, फिर आपके हमने सर वेबसाइट भी देखा था जो आपका सर किंग रिसर्च नाम से था, जिसमें सर आपका पहले अभी टिप्स के नाम पर मतलब मैंने वैसा पहले था सर जी। लेकिन बाद में सर आपके लिए तो फिर हमने सर पूरा वीडियो देखते देखते बहुत लोग को देखा, फिर आप बोलते भी थे कि सीखते हैं बहुत अच्छा है, मतलब मैंने पहले सीखो उसके बाद काम करो उसके बाद अति करो, तो सर हमने 6-7 महीना मतलब नवंबर तक सर हमने आपका वीडियो देखा, उसके बाद हमने सोचा कि अब मैं सर से क्लास ले ज्वाइन करता हूँ सर। Okay. और सर हमने पेमेंट किया सर, आपने इतना अच्छा से सिखाया सर, कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न सर मतलब मैंने कोई भी चीज इतना मतलब इतना अच्छा उदाहरण देके बताया सर कि मतलब दिमाग में अटने के बाद सर वो तो मतलब लग रहा है मतलब मैंने निकल नहीं पाया था, इतना मतलब सिंपल इतना साधारण। कमलेश जी क्या सिर्फ ज्ञानबाजी थी? जी जी, क्या सिर्फ ज्ञानबाजी थी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर हमने बहुत सारा वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो में आप बोलते भी थे कि पहले सीखो और उसके बाद करो, लेकिन बहुत वीडियो देखा लेकिन लगा कि सर आपने कुछ दम जरूर है सर, इसीलिए सर हमने फर्स्ट बार क्लास जाओ सर, इतना साधारण इतना सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। कमलेश जी एक और फीडबैक, अभी जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने इतने पुराने से मुझे जुलाई से फॉलो कर रहे हो तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने बहुत सारे कंपेटिटिव एनालिसिस किया होगा, कंपैरिजन किया होगा कौन सा अच्छा है, किससे जाऊं किसके पास ना जाऊं। जी सर, कम से कम सर हम लोग मेरे पास सर ये बहुत सारे बहुत लोग यूट्यूबर का वीडियो है, क्लास का भी वीडियो है सर, कम से कम 20-25 मेरे पास वीडियो है सर। Okay. ऐसे मतलब जो सिखाते हैं, लेकिन सर आपको जो देखे सर मतलब सिखाने का मतलब मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बताने का इतना साधारण इतना मतलब कि एक बार आज जिसके दिमाग में चला गया वो समझे कि फिर निकलने का बात नहीं है सर। अब देखते सोचते हैं कि से मतलब इतना मतलब पहले कैसे चलते थे और तो सर व्यूअर्स को क्या व्यूअर्स को क्या फीडबैक देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे व्यूअर्स को जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो? सर उन लोग को यही कहना चाहता हूँ कि सर अगर आपको सीखना है अगर आपको कमाना है सर तो एक बार सीखे और जो सर बताते हैं जो इनको मतलब लॉजिक देते हैं हर कैंडलस्टिक पर वो सर लाजवाब है, मतलब आप एक बार सीख गए सर का एक बार अभी समझ गए एक बार बता दिए सर तो आपको मतलब दिमाग से निकलना ही नहीं है इस कैंडल का क्या सिग्नल दे रहा है उस कैंडल का क्या सिग्नल है, इस पैटर्न से हमको क्या मिल रहा है, इस पैटर्न कब हम बाई करें कब सेल करें कहां पर कैसे हमको बाई करना है कहां पर सेल करना है सर, और सबसे पहले बोलने का सर मतलब मैंने आपका समझाने का सर इतना सिंपल इतना साधारण है सर कि मैंने एक बार मतलब दिमाग में घुस जाता है सर। क्या बात
क्या बात है सर, थैंक यू, क्या बताऊं सर, थैंक यू सो मच सर। बस मेरे भी फीडबैक कभी नहीं किया सर, मैं बहुत लिख रहा हूं थोड़ा सा इज्जत पाता, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। अच्छा गाइस ये याद रखना, जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक चीज गांठ बांध लेना दोस्त, सिर्फ सोचने से पैसा नहीं बनेगा, स्विमिंग पूल में कूदोगे तभी स्विमिंग पूल आएगी, और सीखना सिर्फ उससे जो खुद ट्रेड करता हो, क्योंकि वो ही आपको ये जो बारीक चीज़ है कैंडलस्टिक सब पढ़ाएंगे, बट हम कैंडलस्टिक के साथ साथ उसके अंदर जो मसाला है कि वो मसाला वो इंग्रेडिएंट इसके साथ जोड़ दो तब देखो उसका टेस्ट अलग बन जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। यस थैंक यू। हम तो सोचते रहते थे कि इतना इतना वीडियो देखे हैं हम, लेकिन आज तक इतना सिंपल वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कमलेश जी। हेलो सर जी, जी रमेश जी बताएं। हाँ रमेश जी बताएं। सर एक्चुअली यू वांटेड टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम अ ट्रेडर हिमसेल्फ। वंडरफुल, इट एक्चुअली इट गेव मी सो मच कॉन्फिडेंस बिकॉज़ आई वाज नोइंग ऑल दीस थिंग्स, बट द वे यू प्रेजेंटेड इट नाउ बेसिकली व्हाट इंप्रेस्ड इज द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स which you are taught, that is the basics or the fundamentals. Fundamental. I knew the strategies, but how to apply it and when to apply it, that is really remarkable thing what I learned from you, sir. Wonderful, Ramesh ji, mazha aa gaya sir. Thank you so much for your powerful feedback. Actually, can I ask your how your day starts, sir? Like, do I have a day? सर डेफिनेटली रमेश जी, अभी थोड़ा सा अपन फीडबैक का ले रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली सर पर्सनल आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं एक बनाऊंगा सेशन, अपने बारे में बताऊंगा सर। मेरी बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल सोचता हूँ, बहुत सिंपल खाता हूँ, बहुत सिंपल रहता हूँ, देखा होगा आपने वीडियो में, बहुत सिंपल। मेरे को सर कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, छोटे मोटे हैं, इससे मेरा आराम से सब रहता है। डेफिनेटली आई विल शेयर माई लाइफ स्टाइल ऑल्सो, नो नीड टू वरी अबाउट। थैंक यू रमेश। Who have failed in trading, they come for training, training and make money. But yours is reverse actually. You are a successful trader, also you are successfully training the students. That's really wonderful, sir. Thank you. This is powerful. This is something different feedback. Nice, very nice. Thank you so much, sir. Thank you, Ramesh. Thank you, sir. मजा आ गया। Hello. जी सर। जी भूषण जी। हाँ सर। सर आपने मुझे तो एक्चुअली मार्केट में कुछ भी नहीं आता था, मैं तो बहुत प्रेशर हूँ। प्रेशर है सबसे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 सर। कितनी? 30 30 30। और एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं सर, मैं तो प्रेशर हूँ। बराबर है। तो सर एज अ फ्रेशर माइंड मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ, जो लोग फ्रेशर हैं मार्केट में, नए नए कूदे हैं मार्केट में, नया नया पैसा बनाने का जोश है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं तो सही बोलूंगा कि सब जितने टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल तुम्हारे पास, सब डिलीट कर दो और खाली एक ही चैनल किंग रिसर्च, खाली एक ही चैनल देख लो, उसका क्लास कर लो बस सर। बाकी लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसे मत करो। बाकी नहीं सर, ऐसे नहीं, जो सही है सही है सर। मैं तो खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छे गुरु मिले और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा ए मिला है मुझे। थैंक यू सीखने के लिए। थैंक यू भूषण जी, बहुत कुछ सिखा दिया सर। थैंक यू। अब भूषण जी इस चीज़ को अप्लाई करना है, स्लोली बेबी स्टेप्स रखने हैं, क्योंकि जब बेबी को हम पढ़ाते हैं कोई चीज़, उसको बेबी स्टेप्स पढ़ाते हैं, जिस जैसे ऐसे स्टेप्स आपने लेने लगोगे तब बड़े मूवमेंट पे आ जाओ, बड़े शार्प बनेंगे, तब काम करेंगे, राइट? तो अभी छोटा छोटा ट्रेड, 100 रुपये का रेस, 200 रुपये का ट्रेड, 500 रुपये का, आप एज पर योर बजट ट्रेड करना है, खाली देखना नहीं है, ट्रेड करना ही पड़ेगा, सीखना है तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखें। और ये जो बताया ना कि 100 रुपये का रिस्क, उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे बढ़िया लगा सर मुझे। थैंक यू। इसके ऊपर से आदमी इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ ये बहुत हो जाता है सर इसके ऊपर से। वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू भूषण जी। सर आप शेयर मार्केट का रॉकस्टार बन जाओगे। अरे राजन सर बहुत दूर जाना है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, और कुछ आशीर्वाद सबके सहयोग में, पूरा सहयोग रहेगा हमारा, पूरा सहयोग रहेगा, हम जब चाहोगे वहाँ रेडी है सहयोग करने के लिए। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा सर, थैंक यू। चलिए सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुनील जी बताए। किसी ने शायद मैं तो
आपसे जाकर के सीख सकती है सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास थोड़ी माइक पे है, कुछ ज्यादा नहीं है सर, इसलिए मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने तो पूरे पैसे खर्च कर दिए शीट्स खरीदने में, जो एक्सेल शीट्स आते थे मार्केट में, कोई बेचता था कि आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। हाँ। तो ऐसा होता था कि ये लोग हमें शीट देने के बाद उनका कोई अपग्रेडेशन आ जाता था, या फिर समझो एक दो महीने बाद जैसे बंद हो जाती थी, तो फिर बोलते थे कि सर आप रिन्यूअल के लिए पैसा भर दो। फिर कोई शीट्स तो ऑनलाइन कभी कभी मार्केट में बोलते थे कि वो सर ऑटोमेटिक चरण हो जाएगी, फिर बंद हो जाती थी, फिर कभी इंक्वायरी करो तो फोन नहीं उठाते थे। तो ऐसा करके मार्केट में पूरा ब्लफ हो गया। Okay. मैंने तो इतना पैसा डालने के बाद मैंने सोचा कि अभी खुद को सीखना है, तो फिर मैंने पुणे में क्लास किया, बेंगलोर में क्लास किया, एक तो मैंने फिर इंदौर के आसपास वही एक क्लास किया, उधर भी पैसा डाल दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लास्ट में तो मेरे हिसाब से मैंने एक सीट लिया है, आपको यकीन नहीं मानोगे, मैंने 350,000 दे के एक सीट लिया है। लेकिन आज की तारीख में वो बंदा मेरे को वो सीट का अपडेट नहीं दे पा रहा है। अरे बाप रे। ओके तो ये मार्केट में मेरे को यही कहना है कि किसी की शीट के पीछे मत लगो, जो सीखना है खुद सीखो, जैसे आप सिखा रहे हो, किसी के पे भरोसे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने मालिक बन सकते हो यहाँ पे। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, व्हेन यू हैव लर्न यू विल बी द ओनर फॉर एवरीथिंग। परफेक्ट सुनील सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सबको। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, सॉफ्टवेयर के पीछे भागना बंद करो, लोगों के अफवाह में बांधना बंद करो, देर इज नो शॉर्टकट इन द स्टॉक मार्केट। आपको बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप लेने से डरो मत। लोग जिसको भी गुरु मानते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उससे जाके उसको गुरु बनाओ, उससे जाके सीखो दोस्त, सीखोगे तो ही पैसा बनेगा। जरूरी नहीं कि मेरे से ही सीखो, सीखना जरूरी है। आपने सही बोला सर, लेकिन हर किसी को तो किंग सर नहीं मिलेंगे ना सर। अरे सुनील सर थैंक यू। नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं और भी मेरे से भी बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। मैंने उनके लिए बोला है सर, और कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैंने भी किसी ना किसी गुरु से सीखा है सर, मैंने भी अपना गुरु बनाया किसी ना किसी को, तब सीखा जी। मैं यही बात है सर, किसी भी मेरे हिसाब से तो कभी माँ बाप का और गुरु का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता सर, दैट्स ऑल। यस यस, पावरफुल वर्ड सर, एक ही लाइन बहुत पावरफुल है सर, गुरु की ऑलवेज रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, मेरे गुरु को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं लोगों को अच्छे से ट्रेन कर पा रहा हूँ और लोगों को चीज़ें दे पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। हाँ जी, जी राकेश जी, श्रीवास्तव जी बोलिए। हाँ जी सर, ये कह रहा था मैं, सब गुरु बहुत है लेकिन आप सब गुरुओं में सर यूनिक गुरु हैं, ये मैं जरूर कहूंगा सर, जो आपने सिखाया वो काबिले तारीफ है, इसका कोई जवाब नहीं है सर। नहीं नहीं सर, सिखाने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन जो आपने बताया एक मतलब भाई की हैसियत से बताया आपने, बड़े हैसियत से, तो आपका कोई जवाब नहीं सर। सर चीजें मैंने कुछ छुपाई आपसे, मैंने दिल खोल के दी ना अपनी सारी चीजें, अपना पर्सनल सेटअप भी आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? जी जी जी, सारा आपने कुछ दिखाया, सारा कुछ आपने बताया और पूरे जीवन साथ देने का जो वादा किया सर, काबिले तारीफ है, इसका कोई जवाब नहीं है। लोग तो अपना मोबाइल नंबर बाद में चेंज कर देते हैं सर, कोई बात नहीं, वन मैन आर्मी सर, तो रियली आप वन मैन आर्मी है और भगवान करें कि आप हमेशा उन्नत कुमार को अग्रसर हो और हम लोग का साथ बना रहे। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल फीडबैक गाइस, दिस इज वेरी पावरफुल फॉर मी। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ दीति मैम बोलिए। हाँ, एक लाइव ट्रेडिंग का एक वीडियो बनाइए हम लोगों के लिए मैम। एक्चुअली पता है, यस बहुत सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं कि सर आप एक बार लाइव वीडियो बनाएंगे तो और सीखने को मिलेगा। मैम एक्चुअली क्या होता है, एज आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर, मुझे क्या होता है, मैं या तो खुद ट्रेड करूं और ट्रेड करता हूं तो फिर आपको पता है कि कंसंट्रेशन पूरा चाहिए होता है, तो वहां पे वीडियो बना के ट्रेड करना, क्योंकि मैं ट्रेड एक या दो क्वांटिटी में नहीं करता या एक दो स्टॉक्स में नहीं करता, मेरे ट्रेड डेली के इंट्राडे बेसिस पे 15-20-25-30 ट्रेड होते हैं, आप समझ रहे हो, तो उतने सारे ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ
तो वहाँ पे हाँ अगर मैं एक ही स्टॉक पे रडार बिल्कुल कोशिश करूँगा, बिकॉज मैम अकेला हूँ, सब चीज़ें हैंडल करनी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो मैं भी एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ, एक ऑफिस ले रहा हूँ हैदराबाद में, सो दैट वो टीम मेरे सब कुछ काम कर दे, मैं सिर्फ आप लोगों के डेडिकेटली आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एल्गो है, सब मेरा एल्गो काम कर रहा है, खुद मैनुअल ट्रेड कर रहा हूँ वो मेरा हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब मैं डेडिकेटली एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर जो मैंने आपको दिया ना, उल्टा पुल्टा पार्ट टू, आपका RSI का मैंने जो स्ट्रैटेजी दिया, टाइम बॉम, क्रोकोडाइल, सब वीडियो बनाऊंगा और जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लाइव शेयर भी करूंगा कि ये देखो वीडियो में आज मैंने किस तरह से एक्शन लिया, किस तरह से चीज़ें करी और अब दिया। और जो फ्री में स्ट्रैटेजीज दिए मैंने यूट्यूब में, 6 स्ट्रैटेजीज दिए हैं, उन सब स्ट्रैटेजीज का भी रोज मैं कोशिश करूंगा, जिस दिन अच्छा बनेगा, अच्छा मेरे सेटअप पे आएगा, उस दिन मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को इंडिविजुअली एक ही ट्रेड लेके दिखा सकूं, देखो लाइव मार्केट में भी पैसा बढ़ रहा है। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, में वो भी आने वाला है, वो भी सीरीज में चालू करूंगा। रंजन सर नो वरी एट ऑल, मेरे को एक्चुअली ये वीकेंड में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो इसी वीकेंड में करता था। मेरे को मेंबर बनाया सर। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। है ना सर, और एक किंगर आप कहने वाले थे, बोल रहे थे आप रहना चाहता हूँ सर, बाद में करेंगे, अभी सिर्फ फीडबैक का सेशन है। बाकी जो एल्गो चाह रहे हैं गाइस, पहले खुद प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, बाई चांस फिर भी नहीं कर पा रहे हो, कहीं पीछे हट रहे हो, बस हैरी को याद करना, सर कर दूंगा मैं सेट। पैसा बनाना है, कहीं किसी के पास जाना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास, कोशिश पूरी करेंगे, नियत सही होगी तो भगवान भी हेल्प करेगा आके, बाकी देखते हैं सर क्या है क्या है ना। No need to worry about. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक, आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू करियर इन द स्टॉक मार्केट। अब मैं चाहता हूं जो भी इतनी सारी चीजें पढ़ाई है, आपको डिसाइड करना है कि आपका सबसे पावरफुल क्या समझ में आया, उसको अगले दिन ट्रेड पे लगाओ, ट्रेड पे लगाओ और रोज उसको देखो कि मैंने सही ट्रेड लिया था या गलत ट्रेड लिया था, ठीक है। दूसरी चीज अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रात को 9 बजे आप आ रहे हो सर, आपको जो भी मैंने पढ़ाया एक एक चीज को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, 2-4 दिन फिर दूसरी चीज को ऐड करो, 2-4 दिन तीसरी चीज को ऐड करो, 2-4 दिन और देखो सर, खाली प्रैक्टिस नहीं करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड करोगे तभी इमोशन आएगा और तभी इमोशंस के ऊपर काम कर पाओगे। ट्रेड नहीं करोगे, पेपर ट्रेड करोगे तो पेपर ट्रेड में हमेशा फायदा होता है। दुनिया बोलती है पेपर ट्रेड करो ना, ट्रेड करो भैया, पेपर ट्रेड से पैसा नहीं बनेगा कभी भी लाइफ में, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैप्पी करियर टू ऑल ऑफ यू। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos